रहता है ये पहला व्रत, जिस भी सोमवार को तुम उठाओ बाबा के भरोसे पर उठाना, उससे विनती कर कर पूजा की थाली लगाओ, अभिषेक का सामान रखो, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करो, अर्चना पूजा करके बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप संभाल। पहले व्रत के दिन बाबा से जब शुरू करो व्रत को, पहला सुबह की जब पूजन करो तो बाबा से कहना पहला व्रत है, मैंने इस कार्य के लिए ये व्रत किया है, तू संभालना। शाम के समय जिस पूजन की थाली को लेकर गए हो उसी पूजन की थाली को शाम को वापिस लेकर जाना, उसमें 6 दिए प्रसाद मीठे का जो घर में बनाओ, बाजार का मिठाई नहीं, घर में तुम हलवा बनाओ, चाहे तुम खीर बनाओ, चाहे तुम मीठा भात बनाओ, चाहे तुम मीठे चावल बनाओ, कुछ भी बनाओ पर घर में बना होना चाहिए। प्रसाद को 3 हिस्से कर मंदिर लेकर मत जाना, प्रसाद को एक ही पात्र में लेकर जाना, मंदिर में जाके 6 दिए को जमीन पर रख दो, बाबा की पूजन अर्चना पहले 6 दिए में से 5 दिए जला लो, बाबा की पूजा अर्चना कर लो, बाबा के प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में रखो, 1 हिस्सा थाली में, और 1 दिया जो जमीन पर रखा है जो जलाया नहीं है उसको उठा के थाली में रखो, बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला व्रत आप स्वीकार करना, पूजा करके बाबा से घर आओ, घर में जब प्रवेश करो अंदर की ओर जाओ, बाहर अपने सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख करो, अपनी चौखट की ओर घर की ओर मुख करिए, सीधे हाथ की ओर बैठ जाइए, घर के बाहर जो 6 नंबर का दिया है वो जलाओ, बाबा से विनती करो ये मेरा घर नहीं आपका है, बाबा आप पधारना और मेरा कल्याण करना, मेरा ये काम है बाबा उसे पूरा करना। पहला सोमवार हो जाए, बीच में सोमवार में कहीं रजो धर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, कहीं कोई दूसरा व्रत आ गया, जो व्रत तुम पहले से करती हुई आ रही हो तो वो कर, रजो धर्म आ गया छोड़ दो, बाहर जाना पड़ गया छोड़ दो, जब वहां से आ जाओ ठीक हो जाओ तब वापिस व्रत कर। जब आपका 5वां व्रत रहे उस 5वें व्रत में जब शाम की पूजन करने को जाओ, एक श्रीफल भेंट जो तुम चढ़ा सकती हो बाबा को दे सकती हो दीजिए, 108 चावल के दाने, फूल की पंखड़ी या जो भी 108 सामग्री आप बाबा को देना चाहते हो वो बाबा को एक एक कर कर धीरे से बाबा को समर्पित, वापिस दिया ले अपने दरवाजे पर फिर लगाओ और बाबा से विनती करो तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना।